हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम लोग फिज़िक्स का मोशन चैप्टर कर रहे थे 9th क्लास का। ऑलरेडी हम इसके दो टॉपिक्स, दो वीडियोस डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, और सेकेंड पार्ट में हमने स्पीड और वेलोसिटी को स्टडी किया था। आज हम इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म को पढ़ने जा रहे हैं। मोशन चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्सेलरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक्सेलरेशन से। मोशन में सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो है, दैट इज़ एक्सेलरेशन। से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको क्लियर करते हैं। एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट। रेट का मतलब यहाँ पर टाइम से है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, मतलब वेलोसिटी किस टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना फास्ट या कितना स्लो चेंज हो रही है, ये उसका एक्सेलरेशन होता है। क्या फॉर्मूला बनाएंगे? एक्सेलरेशन इस कहा मैंने चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम, ये होता है। सो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज मतलब पहले कुछ थी बाद में कुछ हो गई, दैट इज फाइनल वी माइनस यू अपॉन टी। सो द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन टी। यूनिट की बात कर लेते हैं, SI यूनिट। एक्सेलरेशन को किस में मेजर किया जाएगा? SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। एक टाइम और भी है तो दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप या तो ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, वेलोसिटी कितना फास्ट या स्लो। नोट कीजिए, मैं और समझाता हूँ, आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा और लिख लेते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन? तो आंसर है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, थोड़ा एक क्वेश्चन को एग्जांपल समझते हैं तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक साइक्लिस्ट है, ओके, ठीक है, ये साइक्लिस्ट है और अभी ये रेस्ट पर है, यानी कि इसकी वेलोसिटी अभी 0 मीटर पर सेकेंड है। इसको अपनी वेलोसिटी को से 40 पर लेके जाना है। 0 से किस पर लेके जाना है? फाइनली 40 पर। ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा, पैडल मारेगा, इसकी एनर्जी लगेगी, स्ट्रेंथ लगेगा। तो मान लेते हैं इसको जो टाइम लगा 50 सेकेंड है, ठीक है। 0 से 40 पहुंचने पर चेंज कर लें, ज़्यादा हो गई 40, तो आप इसको चेंज कर लें, लिख लो 15 किलोमीटर, आप लिख लो 18 × 5/18, चलो 5 मीटर पर सेकंड, बहुत ज़्यादा हो गई थी तो चेंज कर लेते हैं। 5 मीटर पर सेकंड जाने के लिए इतना टाइम लगता है। अगर हमसे पूछे इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन टी एंड फाइनल वेलोसिटी इज 5 − 0/50। सो एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट इज 5/50। 5/50 इज नथिंग बट 1/10। 1/10 इज 0. इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सपेंड लिखूं, 0.1 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। इसका मतलब है हर एक, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, ये टाइम, मतलब हर एक सेकेंड में वो अपनी वेलोसिटी में 0.1 मीटर पर सेकेंड का
चेंज ले आता है। ये जो बाइसिकल वाला पर्सन है, साइकिलिस्ट है, ये इतना चेंज आता है और इसलिए इसका एक्सप्रेशन ये है, चेंज कितना आ रहा है, काफ़ी कम वैल्यू है। अच्छा, इसी के अगर कंपैरिजन में हम एक बाइकर की बात करें, सो एक बाइकर है, मान लेते हैं ये उसकी बाइक है, वेल डिज़ाइन, ठीक है, थोड़ी सी बढ़िया सी बाइक मान लेते हैं उसके पास है, और ये भी यही सेम सिचुएशन है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, हैंडल रह गया बाइक का, यहाँ से मान लेते हैं, तो ये 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और चलो ऐसे, और ये अपनी वेलोसिटी का गेन कर रहा है से 20 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, कितनी देर में, इसको ऐसा करने में सिर्फ 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, ये खा देते हैं, अब सिर्फ 22 मोटरसाइकिलिस्ट पे ध्यान देते हैं, ओके चले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन इज वी कितना है 20 माइनस 0 अपॉन 10, दैट इज 20 अपॉन 10 इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम मोटरसाइकिलिस्ट अपनी वेलोसिटी को हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है, काफ़ी फास्ट, जबकि बाइकर सिर्फ 0.1 बढ़ा रहा था, ये एक्सेलरेशन बहुत कम है, ये एक्सेलरेशन बहुत फास्ट है, इसीलिए जब दोनों स्टार्ट करेंगे तो बाइक वाला कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है, बहुत फास्ट, तो एक्सेलरेशन क्या है, ये चेंज इन वेलोसिटी होता है, ओके तो कोई बॉडी, अगर आप ट्रेन की बात करें, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन शुरू में बहुत स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि पैदल भी हम उसके साथ साथ चल लेते हैं, बिकॉज ट्रेन शुरू में बहुत स्लोली एक्सेलरेट कर रहा होता है, उसका वेलोसिटी का चेंज बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है, सो एक्सेलरेशन क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आप कार का एक्सेलरेटर दबाए रखेंगे तो आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, एक और एग्जांपल से आप समझिए, अगर हमने एक बॉडी को मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है और इसको यहाँ हाइट से गिराया, अभी गिराने लगे हैं, टाइम ज़ीरो है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 मीटर पर सेकंड है, जब हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो हम देखेंगे 1 सेकंड बाद जब ये बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, ये U1 मान लेते हैं, ये U2, एंड बढ़ के ये हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद हम देखेंगे इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी और ये हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकंड। क्या देख रहे हैं, जब ये बॉडी अर्थ की तरफ गिर रही है तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी है 0, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 9.8, यहाँ पर और फास्टर और जब स्ट्राइक कर लगी तो और भी फास्टर, ये कैसे हो सकता है कि वेलोसिटी लगातार बढ़ रही हो, ये तभी हो सकता है जब इसमें एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी का चेंज हो रहा हो, सो एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब यहाँ पर टाइम से है। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि हर बार वेलोसिटी बढ़ेगी, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि किसी केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो फाइनल वेलोसिटी से, कैसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है और ब्रेक लग गई तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, से 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, से इसमें टाइम लगा 2 सेकंड का, अगर अब हम एक्सेलरेशन निकालें तो v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज़ 8 माइनस 10 अपॉन टाइम, हमने 2 लिया है, सो एक्सेलरेशन इस केस में -2/2 -1 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन माइनस भी आ सकता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी शुरू वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, बाद वाली वेलोसिटी कम है, यानी कि ब्रेक्स लग रही होंगी ऐसे सिचुएशन में, अगर कार का हम केस मान लें तो एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी हमने एक नाम दिया है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का नेगेटिव क्या होता है, रिटार्डेशन कोई नई टर्म नहीं है, एक्सेलरेशन ही है, बस नेगेटिव टर्म है, ऐसा यूनिट इसलिए इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नोट कीजिए, वेलोसिटी का लगातार चेंज होने ही एक्सेलरेशन कहलाता है, जब जब बॉडी में वेलोसिटी में चेंज आएगा तो बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी। चलिए और थोड़ा समझते हैं, एक्सेलरेशन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, हाँ जी, एक्सेलरेशन किस किस तरह का हो सकता है, बॉडी में चेंज कैसे आ सकता है, तो एक्सेलरेशन को हमने टाइप ऑफ एक्सेलरेशन
अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर वो यूनिफॉर्मली हो, बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज हो रही है पर अगर वो यूनिफॉर्मली चेंज हो, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म हो रहा है। सो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली हो रहा है, बॉडी में वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्म है, अगर चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, यानी कि चलो मैं पूरा लिख देता हूं, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, चेंजेस लिखा मैंने, इंक्रीज या डिक्रीज दोनों हो सकती है, चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म की ये कंडीशन होती है ना, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए और वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम में चेंज हो रही है, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है लेकिन लाइन भी स्ट्रेट होनी चाहिए, इससे डायरेक्शन भी मेंटेन रहेगी। सो इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का चेंज मतलब एक्सेलरेशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अगर ये सब यूनिफॉर्मली ना हो, यही सेम डेफिनेशन यू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप क्या लिखेंगे, अगर ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस, ओके देन बिकम यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और देखिए इसमें मैं आपको एवरेज एक्सेलरेशन भी बता सकता हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन थोड़ा लंबे समय के लिए, मतलब अगर आपने टाइम को थोड़ा ज़्यादा ले लिया है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, जैसे धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है तो छोटे छोटे एक्सेलरेशन उनको मिलाकर एवरेज एक्सेलरेशन हो सकता है। तो इट इज़ बेसिकली टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर काफ़ी बड़ा टाइम है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड और भी ज़्यादा, तो उसमें जो टोटल चेंज हुआ शुरू से लेकर आखिरी तक का, ठीक है, दैट इज़ अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज एक्सेलरेशन। और एक टर्म छोटी सी और इसमें आप समझ सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी बॉडी का एक्सेलरेशन काफ़ी कम समय के लिए, एक्चुअली में तो यही होता है, हम थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो 0.1 सेकंड में भी 40 से 41 पहुँच जाते हैं। किसी स्पीड 40 से चल रहे हैं, हमने थोड़ा सा एक्सेलरेटर दबाया, हम 41 पहुँच गए, तो वो थोड़े से टाइम के लिए जो होता है, बहुत पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो दैट कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या तो ऐसे बोल सकते हैं और एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर समय पर, छोटे से समय के लिए जो एक्सेलरेशन होता है, थोड़ी सी देर के लिए, उसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस। वैसे ये दो मेन आपको है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया है, ओके। तो एक्सेलरेशन का टाइप हो गया, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म, और ये मैंने आपको बता दिया कि अगर फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर है इनिशियल वेलोसिटी से, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जिसको हम सिंपली एक्सेलरेशन कह सकते हैं। और अगर फाइनल वेलोसिटी कम है, यू ज़्यादा है, सो ऐसे केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जिसको हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कह सकते हैं। रिटार्डेशन इज़ नथिंग बट नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। चलिए इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं फटाफट। एक्सेलरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या होगा, समझे इसको, अगर एक्सेलरेशन ही जीरो है, सुनिए, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, इट मींस v माइनस यू अपॉन टी इज जीरो, ये जीरो है, टाइम इधर जाएगा,
सो जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू यू. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो वी है वही यू है, जो इनिशियल है वही फाइनल है, जो वी है वही यू है, चेंज नहीं हो रहा. इट मीन्स स्पीड कॉन्स्टेंट है या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है. यही तो मैं समझा रहा हूँ. अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो किस बात का एक्सेलरेशन? नो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन वेलोसिटी का चेंज ही तो है. अगर वेलोसिटी एक जैसे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, अरे अगर हम यूँ कहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आर, थोड़ी देर बाद अब देखा अभी भी 40 किलोमीटर पर आर फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, से टाइम लग गया एक घंटा का चलो, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? एक्सेलरेशन क्या हुआ? वी माइनस यू अपॉन टी, ये भी 40 माइनस 40, ऐसे हमने चेंज कर लेंगे, अभी ऐसे निकालते तो 0 किलोमीटर पर आर स्क्वायर में आ गया. चलिए, पर है तो कितना? 0. एक्सेलरेशन तभी होगा जब वेलोसिटी में चेंज होगा, अदरवाइज कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा. चलिए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. हाँ, कुछ और छोटी सी बात, एक दो बात और लिख लेते हैं. कभी कभी हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो अभी हमेशा रखिए इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज, ऐसा अगर लैंग्वेज लिख के आ रहा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 है. आपने जब ऑब्जेक्ट को देखा, जिस टाइम पर हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा, उस टाइम वो रेस्ट पर था, ठीक है ना. तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हमने देखा वो रेस्ट पर था, इट मीन्स उसकी यू क्या है? 0. हमने देखा अभी वो रेस्ट पर और चल पड़ा, हमने जब देखा जब हमारा टाइम 0 था, स्टॉप वो स्टार्ट करने, जब वो रेस्ट पे था फिर चल पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? 0. और अगर ऐसा हो जाए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, आपने ऑब्जेक्ट को देखा, इफ़ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट, चलते चलते वो रुक गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड. दो तीन बातों का इसका ध्यान रखना है, जैसे ये लैंग्वेज आएगी तो आप पकड़ लीजिए. चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखें. अ बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attains a speed of 18 किलोमीटर पर आर इन 10 मिनट्स, ठीक है, फाइंड the acceleration. एक बॉय अपनी रेस्ट से स्टार्ट करते करते अपनी स्पीड को 18 किलोमीटर पर आर पे ले जाता है 10 मिनट में, तो उसका acceleration आपको फाइंड आउट करना है, ओके. चलिए, अब बॉय स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही रेस्ट बढ़ाया, आप समझ गए, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना है? 0. ऐसे यूनिट में ही चलेंगे, इसलिए मैंने पहले ही मीटर पर सेकंड ले लिया है. अटेन्स अ स्पीड ऑफ, बढ़ते बढ़ते उसने अपनी स्पीड को कितना अटेन कर लिया? 18 किलोमीटर पर आर. पर ये तो ऐसा यूनिट नहीं है, तो चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. यू और वी, हमें ऐसे सिस्टम में ही काम करना है, निकालने को हम किलोमीटर पर आर स्क्वायर में निकाल सकते थे, लेकिन कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में ही ठीक रहेगा करना. टाइम कितना लगा? 10 मिनट्स, मिनट्स इज ऑल्सो नॉन एसआई यूनिट, चेंज करते हैं इनटू 60, कितना हो गया? 600 सेकेंड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज वी माइनस यू अपॉन टी, सो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी वी, दैट इज 5 माइनस 0 अपॉन टी, टी इज 600, 5/600 एक्सेलरेशन आ गया 1/120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये बॉय का एक्सेलरेशन है, पॉइंट में हम निकाल सकते हैं, ओके, क्लियर. चलिए और देखते हैं एक आधा क्वेश्चन कोई अच्छा सा. जितना हो सके आप ऐसे सिस्टम में ही काम करेंगे. एक्सेलरेशन आई होप आपको समझ में आ रहा है. एक क्वेश्चन और लेते हैं. द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड. द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, एक कार में ब्रेक्स लगाए, एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन. ब्रेक तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी. कार चल रही थी, हमने ब्रेक लगाया और उस पर एक एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, अपोजिट डायरेक्शन में, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन.
टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जो भी मोशन था, अगर कार ऐसे जा रही थी तो एक्सेलरेशन ऐसे आया. क्या समझे? कि कार रिटार्ड कर रही है, रिटार्डेशन का केस है. ओके, कैलकुलेट मोशन. और कार को 2 सेकेंड लगे रुकने में. द ब्रेक्स अप्लाई टू कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप. क्वेश्चन है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार. ओके, द ब्रेक्स, हमने कार में ब्रेक्स लगाए, उससे ये एक्सेलरेशन आ गया. ओके, और अपोजिट डायरेक्शन में आया. कार को 2 सेकेंड लगते हैं, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है. देखिए यहां पर एक और बात देखिए, आपको यू को फाइंड आउट करना है. अभी यू नहीं गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड आउट. इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट गिवन टू अस, वी नीड टू फाइंड आउट. एंड द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप. कार को स्टॉप होना है फाइनली, मींस कार की फाइनल वेलोसिटी को क्या बन जाना है, 0 मीटर पर सेकेंड. मैंने पहले ही बताया, इफ द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, फाइनली कम्स टू रेस्ट, तो वी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड. तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार शुड बी टेकन एज 0 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उठा के सीधा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत लेना, बिकॉज इसमें साफ साफ लिखा है एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन. कार जिस तरफ जा रही है उसके उल्टा एक्सेलरेशन, मोशन के अपोजिट एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, रिटार्डेशन होता है. ठीक है, टाइम भी गिवन है, टाइम इज 2 सेकेंड, आपको यू निकालना है. तो फिर वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एंड एक्सेलरेशन इज -6, वी इज 0, माइनस यू वी नीड टू फाइंड आउट, एंड टाइम इज 2 सेकेंड. ये इसको कैंसिल कर देंगे, -12 इज इक्वल टू 0 माइनस यू, तो -12 इज इक्वल टू माइनस यू कैंसिल, सो यू इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. यू का साइन प्लस आना एक बात और बता रहा है, कार ऐसे चल रही थी राइट साइड में, फाइनली भी ब्रेक लगने के बाद भी अभी भी कार ऐसे ही चल रही थी और इसी डायरेक्शन में रुकेगी, बस एक्सेलरेशन नेगेटिव काम कर रहा था. अगर आप एक्सेलरेशन को प्लस लेते तो यहाँ पर यू माइनस आ जाता, और अगर ये यू माइनस आता तो इसका मतलब कार अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी शुरू में, जबकि ऐसा नहीं था, कार इसी डायरेक्शन में चल रही थी. ओके, दिस इज एक्सेलरेशन. तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज होने का रेट कितने फास्ट, जैसे मैंने कहा ट्रेन का एक्सेलरेशन काफ़ी स्लो होता है, जबकि प्लेन को काफ़ी फास्ट एक्सेलरेट कर फ्लाई अवे होना होता है. बाइक स्कूटर्स का, बाइक का एक्सेलरेशन भी काफ़ी फास्ट होता है, बल्कि जब हम बाइक लेने जाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन हम पूछते हैं कि भाई कितने फास्ट एक्सेलरेट करती है, अक्सर कार के एडवर्टाइजमेंट में बताया जाता है कि 0 to 65 सेकंड में जाती है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन. ओके, एक्सेलरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल करें. ओके, इसको बार 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 अलग जगह पे यूज़ होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में आएंगे, फोर्स एंड लॉ मोशन में इसकी कैलकुलेशन का यूज़ होगा. तो एक्सेलरेशन को आप अच्छे समझिए और ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और मिलेंगे. थैंक यू.